Hi friends, my name is Kanaya Patel, and in this video we study chapter number 5, The Alien Planet, The Green Movement's Role by Nani Palkhiwala. This is class 11th English Hornbill CBSE NCERT textbook. दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है. इस वीडियो में हम पांचवा पार्ट करेंगे द एलियन प्लैनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल बाय नानी पालखीवाला. ये 11वीं कक्षा की इंग्लिश हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक है जो एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस पे बेस्ड है. फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब फॉर माय चैनल ज्ञान गुरुवाणी. दोस्तों मेरे चैनल ज्ञान गुरुवाणी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा. डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो. सो फ्रेंड्स दिस चैप्टर द एलियन प्लैनेट बाय द ग्रीन मूवमेंट्स रोल इज रिटन बाय नानी पालखीवाला. नानी पालखीवाला वॉज एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट और उन्होंने टैक्स की दुनिया में भी काफ़ी सारे यू नो इम्प्रूवमेंट्स किए थे. बहुत ही प्रखर यू नो कंसल्टेंट थे वो टैक्स लॉज के बारे में. तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था यू नो इन द न्यूज़पेपर विद रिगार्ड्स टू व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट हैव बीन फेस्ड बाय द अर्थ. तो उस टाइम पे ही रिटन ये दिस आर्टिकल अराउंड 1994. तो वहाँ उन्होंने मेंशन किया था कि पृथ्वी पे तकलीफ कौन सी है जो आज भी रिलेवेंट है. तो उसी के बारे में ये चैप्टर है. सो वील ट्राई टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली ही वांट्स टू कन्वे एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर इन अ वे लाइक अ स्टोरी एंड आई होप यू विल गेट यू नो इजीली और अच्छे से अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और स्टोरी की तरह के बताऊँगा तो आपको अच्छे से इसको समझ में भी आएगा और आपको शायद टेक्स्ट बुक भी रेफर करनी नहीं पड़ेगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज रिटन बाय नानी पालखीवाला एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1994. 24 नवंबर 1994 को ये आर्टिकल उन्होंने लिखा था इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में नानी पालखीवाला जी ने. द इश्यूज दैट इज रेज्ड रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ कंटिन्यूज टू हैव रेलिवेंस. जो उन्होंने चीज़ें बताई थी पृथ्वी की हालत के बारे में परिस्थिति के बारे में वो आज भी रेलिवेंट है. बट कैनॉट रिकॉल एनी मोमेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज़ ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस सो कम्प्लीटली एंड सो रैपिडली एज द ग्रीन मूवमेंट विच स्टार्टेड नियरली 20-25 years अगो. वो कहते हैं कि कोई ऐसी कल्पना के बाहर की बात है कि पूरे प्लैनेट पर ऐसी कोई यू नो मूवमेंट हुई हो जो तकरीबन 20-25 साल पहले हुई थी और पूरे प्लैनेट को उन्होंने एकजुट किया था. इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड. सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक. 1972 में ये पहली बार न्यूजीलैंड में ऐसी एक पार्टी फॉर्म की थी, उसके बाद उसने पीछे मुड़ के देखा नहीं है. We have shifted, one hopes, irrecoverably from the mechanic view to the holistic and ecological view of the world. आज हमारे mechanical view से you know ecological view की तरफ हमने shift किया है, नज़रिया हमारा बदला है इंसानों का. It is a shift in humans' perception as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught the mankind in the 16th century the earth and the other planets revolved around the sun. तो ये इतना revolutionary रहा है जितना कि Copernicus ने दुनिया को और इंसान की प्रजाति को सिखाया था कि अर्थ और planets घूमते हैं सूरज के इर्द गिर्द. For the first time in human history there is going a worldwide consciousness that the earth itself is living organism and an enormous being of which we are part. तो पहली बार लोगों में ऐसी जागरूकता हुई है जहां उनको बताया गया कि पृथ्वी भी एक जिंदा जीव ही है और हम उसमें से उसके एक हिस्से हैं. इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल प्रोसेस विच नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व. उसके अपने अपने खुद के एक ज़रूरतें हैं, उसके एक मेटाबॉलिकल प्रोसेस है जिसकी यू नो जैसे पोषण करना पड़ता है, उसको संभालना पड़ता है. ये चीज़ हमको समझने की ज़रूरत है, उसको रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है, उसको संभालने की ज़रूरत है. द अर्थ वाइटल साइंस रिवील्स अ पेशेंट इज डिक्लाइनिंग पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ. तो अभी पृथ्वी की हालत अगर आप देखते हैं तो ऐसा लगता है जिससे किसी पेशेंट की हालत कमज़ोर है और वो वीक है.
वी हैव बिगन टू रियलाइज आर एथिकल ऑब्लिगेशंस टू द गुड स्टूवर्ड्स ऑफ द प्लैनेट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लीगेसी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। तो आज हम लोग को ये एहसास होने लग गया है कि हम यहाँ के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, जो इनकी जवाबदारी है, और आज वो हमको आने वाले पीढ़ियों के लिए भी जो हम छोड़ के जाने वाले हैं, इसकी भी लीगेसी की जवाबदारी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज इन 1987 बाई दी वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट और डेवलपमेंट के द्वारा 1987 में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा बहुत ही प्रसिद्ध किया गया था। इन दिस रिपोर्ट इन डिफाइंड इट डिफाइंस द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स, दैट इज विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। तो वो वहाँ उसमें मेंशन किया है आइडिया कि डेवलपमेंट जो होती है वो प्रेजेंट जरूरतों के हिसाब से होती है और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा जिसपे आने वाली जनरेशन को भी जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं उसमें नुकसान हो, मतलब उतने रिसोर्सेज पर्याप्त रहेंगे जो फ्यूचर जनरेशन में भी काम आएंगे, फ्यूचर जनरेशंस को भी काम आएंगे। दोस्तों रिसोर्सेज का मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड कि ही इज़ टॉकिंग अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज एंड ऑल द रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम द अर्थ। सो रिसोर्सेज वो हर कोई चीज़ है, खनिज पदार्थ है, हर वो चीज़ है जो हमको पृथ्वी से मिलती है, चाहे वो हवा पानी हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, खनिज हो, खदानों में से मिलती हुई चीज़ है। In the zoo of at Lusaka, Zambia, there is a cage where there is a notice reads, "The world's most dangerous animal." Inside the cage, there is no animal but a mirror where you see yourself. तो लुसाका के जाम्बिया के लुसाका के एक प्राणी संग्रहालय में एक पिंजरा है जहाँ पे लिखा हुआ है दुनिया का सबसे डेंजरस जानवर, और वहाँ अंदर कोई जानवर नहीं है लेकिन वहाँ एक मिरर रखा गया है, आईना रखा गया है जहाँ हम अपने आप को देख सकते हैं। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, अ न्यू अवेयरनेस एज नाउ डॉन्ड अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। तो लोगों की ऐसी काफ़ी सारी जागरूकता और एजेंसी की वजह से आज लोगों को पता चला है कि दुनिया का सबसे डेंजरस प्राणी क्या है। ही हैज़ रियलाइज द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। तो पहले वो आज उसको दिमाग में ये जागरूकता हुई है कि पहले वो ये समझता था कि मैं डोमिनेंस रहेगा, ये जो मैं चाहूँ वैसा रहेगा, लेकिन आज वो पार्टनरशिप के हिसाब से पृथ्वी पर रहे कि हम और दुनिया नेचर साथ में मिलकर ही यहाँ रह सकते हैं। Scientists have cataloged about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. तो ये ऐसे 14 लाख प्रजातियाँ हैं, ऐसे साइंटिस्ट का कहना है, जिसके साथ ह्यूमन बींग्स पृथ्वी पर रहती हैं। Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. Biologists reckon that there are 300 to 400 million other living species still linguished, unnamed and ignominious darkness. तो ऐसे 3-4 लाख ऐसी प्रजातियाँ हैं, साइंटिस्ट का कहना है, जो बायोलॉजिकल रिकॉर्ड्स अभी भी है, जो हमने उनका शोधन ही नहीं है, उनको शोधा नहीं है, उनको ढूंढा नहीं है या उनको नाम नहीं दिया है गया है। तो ऐसे भी बहुत सारी प्रजातियाँ हैं। और वन ऑफ दी अर्ली इंटरनेशनल कमीशन्स विद डेल्थ इंटर अलायंस विद दी क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजिकल एंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट वॉज द ब्रांडेड कमीशन विच हैड डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेम्बर्स मिस्टर एल के झा। तो एक ऐसा कमीशन था, इंटरनेशनल कमेटी थी, जिन्होंने इंटर एलियास, मतलब ये रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, इकोलॉजी और इंसान दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। तो इसमें एक डिस्टिंग्विश्ड इंडियन भी थे, मिस्टर एल के झा उस कमीशन में मेंबर थे। उस कमीशन का नाम था ब्रांड कमीशन। द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, आर वी टू लीव आर सक्सेसर्स स्कॉर्च प्लैनेट ऑफ द एडवांसिंग डेजर्ट इम्प्रोवाइज्ड लैंडस्केप एंड एलिंग एनवायरनमेंट। तो क्या हम हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़ के जाने वाले हैं, डेजर्ट्स वाला भरा हुआ पृथ्वी, इम्प्रूविंग लैंडस्केप जो फैलती हुई लैंडस्केप है, और एलिंग एनवायरनमेंट हम लोग क्या छोड़ के जाने वाले हैं, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन पूछा था।
मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स पॉइंट्स आउट दैट द अर्थ्स प्रिंसिपल्स बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर फोर। तो मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन अपनी एक किताब ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स में पृथ्वी के चार बेसिक बायोलॉजिकल सिस्टम्स के हिस्से बनाते हैं, फिशरीज, फॉरेस्ट्रीज, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। तो मछली वाली एक्वाटिक दुनिया, जंगल वाला जंगल की दुनिया, ग्रासलैंड्स है और क्रॉपलैंड्स है। दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। तो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के ये पाए हैं, मजबूत फाउंडेशन के पार्ट है। इन एडिशन टू द सप्लाई, इन एडिशन टू सप्लाइंग आर फूड, दीज फोर सिस्टम्स प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर द इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम ड्राइव्ड सिंथेटिक्स। तो ये चार ही हिस्से हैं जो हम सबको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं हमारे लिए, हर प्रोसेस के लिए, एक्सेप्ट जो पेट्रोलियम और मिनरल्स है उसके अलावा। In large areas of the world, human claims of these systems are reaching an unsustainable level at a point where the productivity is being impaired. तो काफ़ी सारे वर्ल्ड के हिस्से में इनकी इनका ऑलमोस्ट यू नो लेवल, उनमें से पदार्थ निकालने का लेवल उस लेवल पर पहुंच गया है जो ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता है, उनके यू नो प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट आ रहा है। व्हेन दिस हैपेंस, फिशरीज कोलैप्सेस, फॉरेस्ट डिसअपीयर्स, ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स डिटोरिएट। तो ये जब होगा तब फिशरीज़ की हालत ख़राब हो जाएगी, जंगल गायब हो जाएंगे, ग्रासलैंड सो बंजर ज़मीन बन जाएगी और क्रॉप्स जो होते हैं उसकी क्वालिटी डिटोरिएट होती जाएगी। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड आर फिशरीज इज कॉमन एवरी डे। ये जो प्रोटीन कॉन्शियस दुनिया है जिसको प्रोटीन के लिए वो भूखी रहती है, वहाँ फिशरीज़ एक कॉमन चीज़ है रोजिंदा ज़िंदगी में, जो लोग फिश खाते हैं। इन पुअर कंट्रीज़ लोकल फॉरेस्ट आर बीन डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। गरीब देशों में जंगल को काटा जाता है और दिन ब दिन छोटा होते जा रहा है क्योंकि वहाँ से लकड़ी लेकर खाने के लिए पकाने के लिए काम होती है। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव दैट वॉट गोज़ अंडर द पॉट नाउ कंटेन्स मोस्ट वॉट देयर गोज़ इनसाइड इट। कुछ कुछ देशों में जो इतनी हालत ख़राब है कि जो चीज़ आग जलाने के काम आती है, जो चीज़ पॉट के नीचे होती है, वो काफ़ी चीज़ वो पॉट के अंदर भी जाती है, ऐसी हालत हो गई है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर मेयर्स द पावर हाउस ऑफ इवेल्युएशन, सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है उसमें मिस्टर मेयर्स के हिसाब से ये पावर हाउस है इवेल्युएशन का, इवेल्युएशन मतलब ह्यूमन इवेल्युएशन का। तो वहाँ पर काफ़ी सारे स्पीसीज या प्रजातियाँ ऐसे हैं जो लुप्त होने के तादार पर आ गई है क्योंकि वहाँ डिस्ट्रक्शन काफ़ी सारा चल रहा है, वो यू नो जंगल ख़त्म होने को लेवल पे है। It has been well said that the forest precede mankind, deserts follow. ये बहुत अच्छी तरह से कहावत है, कहा गया है कि पहले फॉरेस्ट आती है दुनिया, इंसान आए उसके पहले, और जब वो इंसान चले जाते हैं फिर पीछे पीछे डेजर्ट्स ही रह जाते हैं। The world's ancient patronymy of tropical forest is now eroding at a rate of 40 to 50 million acres a year, and the growing use of the dung for burning deprives of soil as an important natural fertilizer. तो ancient patronymy है, तो जहाँ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तकरीबन 40 से 50,000 मिलियन एकर्स हर साल कम हो रहे हैं, एंड डंग का इस्तेमाल जो उसके सॉइल में हो, यू नो सॉइल में हो रहा है नेचुरल फर्टिलाइजर के रूप में। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट the fivefold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. तो वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि जिस हिसाब से हम लोग ये फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसके हिसाब से प्लांटिंग इस फॉरेस्ट में 5 गुना होनी चाहिए, तभी जाके हमारे डिमांड्स फायरवुड के 2000 के साल तक यू नो मीट होंगे। जेम्स पेट द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट सेड द अदर डे, वी आर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट टू एन एकर अ सेकेंड, बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकर एंड हाफ टू अ सेकेंड। तो जेम्स पेट वर्ल्ड रिसोर्सेज के इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि हर सेकेंड में हमारा एक एकर फॉरेस्ट का लैंड जा रहा है, लेकिन अगर हम एक्चुअली देखें तो 1 से 1.5 एकर प्रति सेकेंड जा रहा है। आर्टिकल 448A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल एंडेवियर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। आर्टिकल 48A जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का है, वो कहता है कि स्टेट हर वो जवाबदारी लेगी वहाँ के एनवायरमेंट को संभालने की, वहाँ के जंगलों की और वाइल्ड लाइफ की भी। बट वॉट कॉजेज एंडलेस एंग्विश इन द फैक्ट दैट द लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया।
लेकिन ये बहुत ख़राब बात है कि लॉज बनाए जाते हैं लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जाता है भारत में। फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी अबॉलिश्ड बट दे फ्लरिश शेमलेसली इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के बनने के 44 साल बाद भी अनटचेबिलिटी है, जाति भेदभाव है, अछूत अछूत की भावना है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कहता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन 44 साल होने के बाद भी आज भी ये है। अ रिसेंट रिपोर्ट ऑफ अ पार्लियामेंट्स एस्टिमेट कमिटी हैज़ हाईलाइटेड दैट द नियर कैटास्ट्रोफिक डिप्लीशन ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट लास्ट 4 डेकेज। एक रिपोर्ट आया था अभी पार्लियामेंट्री रिपोर्ट ने एस्टिमेटेड कमेटी में रखा था, जिसमें हमारा डिप्लीशन जो हमारा डिप्लीट हो रहा है पिछले 4 दायकों से भारत का जंगल का लेवल जो है वहाँ उसमें बताया गया था। इंडिया अकॉर्डिंग टू द रिलायबल डेटा इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स अ ईयर। तो हर साल तीन सूत्रों के आधार पर यह कहा गया है कि 37 लाख एकड़ जमीन हर साल भारत खो रहा है। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेसिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। बहुत सारे एरियाज जो एक्चुअली जंगल लैंड कहा गया वहाँ पेड़ ही नहीं है। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 टाइम्स द रेट ऑफ इंडिकेटेड बाई द गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। तो गवर्नमेंट जो सरकार जो स्टैटिस्टिक्स देती है, जो नंबर देती है, उससे 8 गुना ज़्यादा लॉस हो रहा है फॉरेस्ट का भारत में, ऐसा एक्चुअली नोट किया गया है। A 3-year study using satellites and aerial photographs conducted by the United Nations warned that the environment has deteriorated so badly that it is in critical in many of the 88 countries investigated. तो 88 countries में 3 साल से satellite images से और satellite के आधार पर United Nations ने एक संशोधन किया है जो warn कर रहा है कि environmental level deterioration से badly से एकदम critical situation में आ गया है। There have been no doubts that the growth of the world population is one of the strongest factor distorting the future of human society. तो human society का भविष्य के सबसे बड़ी तकलीफ है growth, population का growth जो हो रहा है, जो बहुत ज़ोरों से बढ़ रहा है। It took mankind more than 1 million years to reach the first billion. तो first billion population पहुँचने के लिए mankind को 1 million साल लगे थे। दोस्तों, जिन फ्रेंड्स को ये नहीं पता है कि मिलियन और बिलियन क्या होता है, तो एक के बाद जब 6 ज़ीरो लगते हैं वो मिलियन होता है और एक के बाद जब 9 ज़ीरो बनते हैं वो बिलियन होता है। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800। तो 1800 के साल के आसपास ये वर्ल्ड पॉपुलेशन था। बाय द ईयर 1900 अ सेकेंड बिलियन वॉज एडेड। तो आने वाले 100 साल में 1900 के साल तक और 1 बिलियन पॉपुलेशन ऐड हो गया। एंड द 20th सेंचुरी इट हैज़ एडेड अनदर 3.7 बिलियन। तो 20वीं सदी में ये और 3.7 बिलियन उसमें ऐड हो गए हैं। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन एस्टिमेटेड 5.7 बिलियन है जब ये आर्टिकल लिखा गया था। एवरी फोर डेज द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 मिलियन। हर चार दिन में पॉपुलेशन 1 मिलियन से ऐड हो रहा है, उतना बढ़ रहा है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइजेज एजुकेशन स्प्रेड्स द हेल्थ इम्प्रूव्स। तो फर्टिलिटी नीचे होती जा रही है, पैसे बढ़ रहे हैं, एजुकेशन फैल रहा है और हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है। दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। तो डेवलपमेंट बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है, बट डेवलपमेंट इट्सेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीजेज इन द नंबर कंटिन्यूज। लेकिन ये डेवलपमेंट उसमें ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर ये नंबर जो बढ़ रहे हैं वो ऐसे ही बढ़ते रहे तो द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रेन विच कंडेम देम टू रिमेन पुअर। तो पैसे वाले लोग और पैसे वाले बन रहे हैं और गरीब बच्चे गरीब ही रहते हैं। मोर चिल्ड्रेन डजेंट मीन मोर वर्कर्स, मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क। ज़्यादा बच्चों का ये मतलब नहीं है कि ज़्यादा वर्कर लोग, लेकिन उसका मतलब है ज़्यादा लोग जिनको काम ही नहीं है। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरली स्टेरलाइज। तो इंसानों को, बच्चों को जानवरों की तरह ट्रीट करना नहीं चाहिए, कैटल की तरह, और उनको स्टेरलाइज करना कंपलसरी नहीं है। बट देर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ क्राइशेरियन। तो वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जब तक नहीं होगा तब तक काफ़ी तकलीफ प्लैनेट को होगी। The choice is really between control of population and perpetuation of poverty. तो poverty बढ़ने वाली है, जब तक ये चीज़ समझेंगे नहीं तो control population control होना बहुत ज़रूरी है। तो ये choice है लोगों के बीच में, को या तो उसको control करो या तो poverty को control करो, लेकिन ये हो नहीं रहा है। The population of India is estimated to be 920 million today. 1984 की बात है ये, कि उस वक्त इंडिया का population 920 million है। More than the
एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर, वो पॉपुलेशन अफ्रीका और साउथ अफ्रीका को साथ में डाले तो उतना है। नो वन फेमिलियरली विद द कंडीशन इन इंडिया वुड थॉट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हंटमेंट्स यूजली अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज बीन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। पॉपुलेशन कंट्रोल को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं दोगे तब तक ये जितनी भी इंडिया की प्रजाति है, जितना कि इंडिया के लोग हैं, ये पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा तब तक ये लगभग ये लोग भूख से ही मरने वाले हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी आर सीइंग ट्रांसेंडिंग कंसर्न्स, ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार हम लोग ट्रांसेंडिंग बहुत ही बदलावजनक कंसर्न्स देख रहे हैं। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट द प्लैनेट, पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोगों का सर्वाइवल इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन प्लैनेट का सर्वाइवल ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिक ऑफ आर एग्जिस्टेंस, हमारे एग्जिस्टेंस का अस्तित्व का पूरा होलिस्टिक व्यू देखने का हमने शुरू कर दिया है। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरी सिग्नल आर डिमाइज, एनवायरमेंटलिज्म का मतलब ये नहीं है कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, इट इज़ अ पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर, ये फ्यूचर का पासपोर्ट है। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ अशर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जवाबदारी वाली यू नो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एरा आ गया है ये न्यू वर्ल्ड विजन के साथ। इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू एंड ecological view seeing the world as an integrated whole rather than an dissociated collection of parts, तो ये holistic view एक पूरा view है ecological view जहाँ सारे चीज़ integrated है, एक दूसरे से related है हालांकि उसको part में देखने के बावजूद अलावा। Businessmen shared the view of chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woodland, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. तो बहुत लोगों का नज़रिया बदल जाएगा अगर लोग जिस जैसे चेयरमैन थे DuPont के Mr. Edgar S. Woodland, तो उनका ये 5 साल पहले उन्होंने डिक्लेयर किया था कि ये कंपनी के चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर है। He said, our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in the environmental performance. तो environmental performance में भी हमारी जवाबदारी इतनी आगे आती है जिसमें हम manufacturing में process में उसमें सबसे आगे रहे। Of all these statements made by Margaret Thatcher during the years of his prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous words. No generation has a freehold on the earth. All we have is the life tenancy with all full repairing lease. तो मार्गरेट थैचर ने अपने जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी उन्होंने अपने वर्ड्स में इंग्लिश में अच्छे शब्दों में समझाया था कि किसी भी जनरेशन को पृथ्वी पर फ्री होल्ड नहीं है, छूट नहीं दी जाती है जो अपनी मनमर्जी के हिसाब से जीने के लिए। इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रिटिकल रोल टू प्ले इन दी न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडस्ट्रीज को ये जवाबदारी के एरा में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करना है। वॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी टू इफेक्ट इफ मोर, हम यू नो भाड़ूत की तरह इस पृथ्वी पर रहने के लिए आए हैं। तो इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, वी हैव नॉट इंटीग्रेटेड दिस अर्थ फ्रॉम आर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आर चिल्ड्रन, तो इस पृथ्वी को हमने हमारे पूर्वजों से नहीं लिया है लेकिन हमने हमारे बच्चों से उधार लिया गया है, ऐसा मिस्टर लेस्टर ब्राउन का भी कहना है। दोस्तों हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को फिर से प्ले कीजिएगा। फ्रेंड्स आर वीडियो फिनिशेज ओवर हियर, चैप्टर फिनिशेज ओवर हियर, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स डू विजिट द वीडियो अगेन। Thank you for being on Gyan Guruvani. Do like, share and subscribe this video and share it to your friends as well. Dosto, is video ko apne friends ko share kijiyega aur mere channel ko like, share aur subscribe bhi kijiyega. Thank you. Have a nice day. Bye. Jai Swaminarayan.